सब्जियों के दामों में वृद्धि होने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो सब्जियां पहले 10, 20 या 30 रुपए किलो के हिसाब से मिलती थी, अब उनकी कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का उछाल आया है। जानकारी के अनुसार घिया, बैंगन, मटर व शिमला मिर्च आदि सब्जियों के दामों में 10 से 20 रुपए उछाल आया है। दुकानदारों की माने तो सब्जियों की कीमत में इस तरह से इजाफा होना इस बार मौसम में हुए बदलाव के कारण भी है, जिस कारण बाहरी राज्यों से यहाँ पर सब्जी का आना थोड़ा कम हो गया है और आने वाले दिनों में इसके हालात सुधरने का अंदेशा है। सब्जियों के दामों में वृद्धि होने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो सब्जियां पहले 10, 20 या 30 रुपए किलो के हिसाब से मिलती थी, अब उनकी कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का उछाल आया है। जानकारी के अनुसार घिया, बैंगन, मटर व शिमला मिर्च आदि सब्जियों के दामों में 10 से 20 रुपए तक का उछाल आया है। दुकानदारों की माने तो सब्जियों की कीमत में इस तरह से इजाफा होना इस बार मौसम में हुए बदलाव के कारण भी है, जिस कारण बाहरी राज्यों से यहाँ पर सब्जी का आना थोड़ा कम हो गया है और आने वाले दिनों में इसके हालात सुधरने का अंदेशा है। सब्जियों के दामों में वृद्धि होने का सीधा असर गरीब की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में गरीब पहले की कीमत पर आधी सब्जी खरीदने को मजबूर हो रहा है। जहाँ वे पहले 1 किलो सब्जी खरीदते थे, वहीं अब उनकी खरीद आधा किलो या उससे कम पर ही सिमट गई है। इसका असर दुकानदारों के व्यवसाय पर भी देखने को मिल रहा है और उन्हें भी मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में घिया पहले 30 रुपए किलो और अब 40 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि बैंगन पहले 30 और अब 40 रुपए, मटर पहले 40 और अब 60 रुपए किलो बिक रहा है, कद्दू पहले 30 रुपए और अब 40 रुपए, शिमला मिर्च पहले 40 रुपए और अब 60 रुपए किलो बिक रही है, प्याज 20 रुपए, टमाटर 30 रुपए और आलू 15 रुपए किलोग्राम बिक रहे हैं। दूसरी तरफ फलों के दामों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। फलों में अंगूर 80 रुपए किलोग्राम, पपीता 40 रुपए, संतरा 60 रुपए और अनार 80 रुपए व 120 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। दुकानदारों में सोमदत्त, रामकृष्ण, मोनू व महेंद्र आदि ने बताया कि सब्जी के रेट बढ़ने से लोगों ने खरीद कम कर दी है और साथ ही दुकानों में पहले जैसी भीड़ भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में उन्हें मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई हो गई है थोड़ा, जैसे 30 रुपए किलो था, अभी गोभी 30 रुपए बिक रही है। बाकी जो है सब्जी तो टमाटर टमाटर सस्ता ही है, सब्जी उतना महंगा नहीं है। भिंडी भुंडी 80 रुपए किलो बिक रही है, बाकी फ्रासमिन 80 रुपये है, ये महंगा है। मटर महंगा हो गया है, टमाटर तो वही रेट है, बाकी सब्जी तो दिया हुआ सस्ता हो गया पहले से। पहले से कितना ये जो आइटम बताई महंगी हुई है, कितने परसेंट आइटम सिर्फ बढ़ी है? एक सिर्फ मटर बढ़ी है इस टाइम, और अंगूर वगैरह फ्रूट में जो है अंगूर है, संतरा है, केला है, ये सब चीज़। केला तो चलो नॉर्मल वही रेट है, संतरा बढ़ गया है, अनार वगैरह बढ़ गया है और सेब वगैरह के रेट बढ़ गया, नवरात्रि के रेट बढ़ा हुआ, बाकी आलू प्याज तो सब यही रेट सेम ही रेट है। इस संबंध में एपीएमसी सचिव हमीरपुर अनिल चौहान ने कहा कि सब्जियों के दामों में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि अभी लोकल सब्जियों की सप्लाई सब्जी मंडी में नहीं पहुंच रही है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।